सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में कृदंत प्रत्यय के जो सूत्र हैं उनका अर्थ, उदाहरण और व्याख्या के संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है उन प्रत्ययों के संबंध में पूर्व में बताया जा चुका है, कुछ प्रत्यय भी बाकी हैं। ये तो आप सबको ही पता है कि ये मूल रूप में प्रत्यय कृत कहलाते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत कहलाते हैं। और जब धातु के बाद ये कृत प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो उन बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। अब इन कृदंत प्रत्ययों के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में इन प्रत्ययों को बनाने की जो विधि है, इन प्रत्ययों को बनाने का जो तरीका है वो बताया हुआ है कि बनते कैसे हैं। कृदंत प्रत्यय जैसे सबसे पहला इसका सूत्र दिया है, ये कत्वा प्रत्यय का सूत्र है। समान कर्तृ कयो हो पूर्व काले, समान कर्तृ कयो हो, समान मैंने एक समान, कर्तृ कयो हो ये षष्ठी का द्विवचन है, कर्तृ कर्ता के द्वारा, एक समान कर्ता के द्वारा अर्थात एक ही कर्ता के द्वारा, एक समान से अभिप्राय क्या यहाँ पर, एक ही कर्ता के द्वारा अनवरत अर्थात निरंतर, एक ही कर्ता के द्वारा अनवरत की जा रही दो क्रियाओं में से जो पूर्व काल की, पूर्व काले दिया हुआ सूत्र में, क्योंकि सूत्र का अर्थ सूत्र में ही होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि समान कर्ता के द्वारा, एक ही कर्ता के द्वारा जब अनवरत अर्थात निरंतर दो क्रियाएं की जा रही हैं, तब उन दोनों क्रियाओं में से जो पूर्व काल की धातु है उस पूर्व काल वाली धातु से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। अर्थात संक्षेप में हम कहेंगे कि एक ही कर्ता के द्वारा निरंतर की जा रही दो क्रियाओं में से जो पूर्व काल की क्रिया है, क्योंकि कोई भी दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते, उनमें से एक काम पहले करना पड़ेगा, एक काम क्या है बाद में करना पड़ेगा, तो जो पूर्व काल की जो क्रिया है उस क्रिया में क्रिया के साथ क्या कत्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा। कत्वा प्रत्यय में कह की इच्छंजा और लोप होकर के त्वा शेष बचता है। इसमें भी क्योंकि धातु जो है वो दो प्रकार की हैं, एक शेठ धातु कहलाती है, शेठ से अभिप्राय स इट, जहाँ इट का आगम होता है, अर्थात जो शेठ धातु होंगी उन धातुओं में प्रत्यय से पहले क्या है, धातु के बाद और प्रत्यय से पहले, कत्वा प्रत्यय से पहले इट का आगम हो जाता है। जैसे ये पठित्वा है यहाँ पर हमारे शब्द, ये धातु कैसी है, शेठ धातु है, यहाँ पर पठ धातु है, कत्वा प्रत्यय हुआ और कत्वा प्रत्यय से पूर्व क्या जुड़ गया इसके अंदर, इट जुड़ गया, तो इसको क्या कहा, शेठ। अर्थात ये एक नियम है धातुओं का कि जब कत्वा प्रत्यय होगा तो शेठ धातु होगी तो उसमें इट का आगम होगा, आगम मैंने आना, और दूसरी धातु है अनिट, वहाँ पर क्या होगा, उन धातुओं से इट का आगम नहीं होगा। जैसे भू धातु है, भू के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया, भूत्वा, यहाँ पर इट का आगम नहीं हुआ। इसी प्रकार से गम धातु है, गम धातु में त्वा प्रत्यय जुड़ गया, त्वा प्रत्यय का क्या है, कत्वा में कह की संज्ञा और लोप हो गया, त्वा से इसे बच गया, तो इसलिए ये धातु कैसी कहलाई, अनिट कहलाई, इसका रूप क्या बन गया, भूत्वा। इसी प्रकार से यहाँ पर लब धातु है, लब धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो कत्वा प्रत्यय का शेष कह की संज्ञा होकर के त्वा शेष बचता है, लेकिन ऐसी जो भी धातु है, लब है, रब है, युद्ध धातु है, इन धातुओं की एक शर्त है कि इन धातुओं का जो दूसरा वर्ण है उनको क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लब ध्वा,
तो इसके अंदर प भ भ भ चौथा जो वर्ण है ब से आगे जो उसको भ हो जाए, अर्थात त को क्या हो गया ध हो गया और पहले वर्ण को क्या हो गया ब हो गया, तो ये क्या बन गया लब्ध हुआ, अर्थात पहचान हुआ ही रहेगी। कत्वा प्रत्यय में अगर ऐसे शब्द आते हैं कत्वा प्रत्यय के, जैसे युद्ध हुआ गया लब्ध हुआ हो गया, इनकी एक ही पहचान है, क्यों यहाँ कत्वा प्रत्यय का जो तय होगा उस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा ध। अनेकों और उदाहरण बनते हैं इसके, ये हमने केवल संक्षेप में दिए हैं। और ये जो प्रत्यय कत्वा प्रत्यय ये केवल मात्र धातु से होता है, शब्दों से कत्वा प्रत्यय नहीं होगा और कृदंत प्रत्यय शब्दों से होते ही नहीं। इसी प्रकार से ये प्रत्यय भी क्या है शब्द से न होकर के धातु से होगा, दूसरा प्रत्यय बाद में पड़ेगी। धन्यवाद।